लेते छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के आरक्षण की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक की मंजूरी के मामले में राजभवन और सरकार के बीच में टकराव के हालत बन गए। राजभवन ने करीब एक सप्ताह पहले आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार से 10 सवाल के जवाब मांगे थे, जिसका जवाब अब सरकार की ओर से राजभवन भेज दिया गया, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। सीएम ने कहा कि अब राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया कि संविधान में सवालों की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी जानकारी दे दी गई है, अब राज्यपाल अनुसुईया उइके को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे कि आखिर यह मामला क्या है, यह मामला उलझ क्यों रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह मामला क्या है, लेकिन मामला बताने से पहले आप दो बयान सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के और राज्यपाल के। राजभवन में तो ऐसी पर्ची बात तो राजभवन से हमारे पास सवाल आए। बृजमोहन अग्रवाल को, वो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और संविधान के बारे में उनको मालूम है, और इस प्रकार से जो सवाल जवाब किए गए हैं, क्या वो वैधानिक है? अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार मतलब सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है। समझे आप? तो जो 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 विवाद है वो आपने बयानों के तौर पर समझा, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त में एक बहुत आसान भाषा में बता देना चाहता हूं। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुना दिया था। इसके बाद अब 2011 की स्थिति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बन गई। इसके अनुसार क्या हुआ? इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति आरक्षण उस समय 32% था, जो अब 12% घटकर रह गया 20%, 12% उड़ गया। ओबीसी 14% और एससी का आरक्षण 13% हो गया। मौजूदा समय में सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई उसमें 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया गया, 13% अनुसूचित जाति यानी कि एससी को और 27% ओबीसी को दिया गया। गरीब सवर्ण को क्या व्यवस्था की गई है? 4% दी गई है कि 4% आपका आरक्षण होगा। यह पूरी संख्या कितनी हो जाती है? यह पूरी संख्या हो जाती है 76%। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि अनुसूचित जाति को आपने 16% आरक्षण दो, जो आपने कम कर दिया है, और गरीब सवर्णों को आप पूरा 10% दो, जो आपने 4% कर दिया है, जो केंद्र कहता है 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को। अब यह पूरा कितना हो जाता है? यह हो जाता है 86%। अब जनाब संविधान क्या कहता है? संविधान ना तो 76 की इजाजत मानता है और ना वो 86 की इजाजत देता है, दोनों को वो अवैध मानता है। ऐसे में आपको यह भी जानना जरूरी है, सरकार ने जब यह पूरा प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर राजभवन भेज दिया तो राजभवन ने क्या किया कि 10 सवाल सरकार से पूछ लिए, उस पर 10 सवालों की टीप लगाई कि पहले आप इनके जवाब हमको दे दो। वो 10 सवाल कौन से थे? 10 सवाल थे, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का डेटा संग्रहित किया गया था, हमें बताइए कि आपने डेटा संग्रहित किया। सवाल नंबर 2 क्या है? 50% से अधिक आरक्षण देने के लिए कौन सी बाध्यकारी परिस्थितियां हैं? यह भी बता दीजिए, क्योंकि संविधान में तो 50% से ज्यादा आरक्षण आप दे नहीं सकते ना, कई राज्यों में दिया गया तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तीसरा सवाल नंबर 3 सरकार ने, राज्यपाल ने सरकार से क्या पूछा? वो पूछा कि शासन के हाईकोर्ट में 19 सितंबर के जवाब के बाद आरक्षण की आपने जो सीमा है वो क्यों बढ़ा दी है? सवाल नंबर 4 क्या है? राज्य के एससी एसटी समाज के लोग किस प्रकार पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं? सवाल नंबर 5 क्या है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आयोग गठित हुआ था, क्या आपने यहां किया? सवाल नंबर 5, क्वांटिफाइबल आयोग से जारी पूरी रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत आपने क्यों नहीं की? क्वांटिफाइबल क्या है मैं आपको बता दूं? वो मैं आपको बताता हूं। सवाल नंबर 6, प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग का अभिमत क्या है?
आपने उनसे पूछा क्या, वो हमें बताइए। सवाल नंबर 7, क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रत्यक्ष से अधिनियम लाना चाहिए था क्या। सवाल नंबर 8, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सरकारी सेवाओं में चयनित क्यों नहीं हो पा रहे, पहले इसका जवाब हमको दे दो, ये राजभवन ने पूछा, राज्यपाल महोदय ने पूछा। 9, क्या है आरक्षण का आधार एससी एसटी के दावों को बताया गया है, क्या ऐसा कोई सर्वे आपने कराया क्या, क्वांटिफाइड डाटा, जिसका जो, जो 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 बात राज्यपाल कर रही है ना, असल में जो जाति जितनी होती है उसमें उसका उतना जिक्र होता है, इसलिए राज्यपाल ने सवाल पूछा। तो सरकार ने 10 सवालों का जवाब लिखकर गवर्नर को भेज दिया, राज्यपाल को भेज दिया, और उन्होंने कहा कि सरकार ने जब कोई संवैधानिक निर्णय ले लिया तो उसमें सवाल जवाब की गुंजाइश है नहीं, आप सवाल जवाब ऐसे ही पूछ रही है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने पूछ लिया है तो हम आपको जवाब दे देते हैं। अब वो राज्यपाल महोदय के पास चला गया, राज्यपाल महोदय भी दिल्ली आई थी, उन्होंने गृहमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद वो वापस पहुंच गई है। अब सरकार कह रही है कि फटाफट करो साइन करो, लेकिन गवर्नर साइन नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका अध्ययन कर रही है, वो तमाम कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रही है, जानकारी लेने की कोशिश कर रही है, और यकीन मानिए ये मामला ऐसे ही उलझा रहेगा, क्योंकि 2023 आ गया ना, तो इसलिए कांग्रेस भी ये कह रही की कोशिश कर रही है कि हमने तो कर दिया, सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया, कैबिनेट में भेज दिया, बीजेपी 76 को 86 करने की बात कर रही है, अब गवर्नर जो संवैधानिक पद पर बैठी हुई है वो करें तो क्या करें, थोड़ा सा गोल गोल घूम रहे, हो नहीं पाएगा, और अगर हो भी गया तो ये कानून के दायरे में नहीं आता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई हाई कोर्ट जाएगा, और वहां से मामला फंस जाएगा।